पाइथन में स्ट्रिंग्स या कोई भी स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या लेटर्स हो, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। जैसे हम बहुत सारी वैल्यू को यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को कभी जरूरत हो सकती है कि हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करना चाहें या ग्रुप ऑफ लेटर्स को यूज करना चाहें। तो वैसे टाइप के वैल्यूज को यूज करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो जिस तरीके से पाइथन में हम लोग देखते हैं कि जो भी हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं या जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल्स क्या है, वो वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट हैं किसी क्लास का। जैसे अगर हम किसी वेरिएबल में अगर x इक्वल टू 10 कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास, इंट क्लास। तो पाइथन में कोई भी वेरिएबल है जिसका हम यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल एक क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू के लिए हम लोग str क्लास, यानी स्ट्रिंग का एक क्लास है str, हम इसका यूज कर रहे हैं, हम इसका यूज करेंगे स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को कंटेन करने के लिए। तो जो भी वैल्यू जैसे डबल कोट्स के बीच में लिखी जाए, हम उस वैल्यू को स्ट्रिंग कहेंगे, या सिंगल कोट के बीच में लिखी जाए, ये भी स्ट्रिंग होगा। तो जो लोग पहले से सी या सी प्लस प्लस या जावा का यूज कर चुके हैं, जावा में कोडिंग कर चुके हैं, वो लोग ये सोचेंगे कि ये सिंगल कोट्स में क्यों। तो पाइथन में हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं, हम इस कोड में जैसे हम एक वेरिएबल लेते हैं s इक्वल टू हेलो एंड s1 इज इक्वल टू, अब सिंगल कोट में हम कोई वैल्यू लेते हैं रेसिड, तो ये दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स हुए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हुए हैं जो स्ट्रिंग वैल्यूज हेलो और रेसिड को कंटेन कर रखे। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, जैसे s को हमने प्रिंट किया एंड देन हम प्रिंट करते हैं s1 को। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हम लोगों को आउटपुट में मिल रही है, हेलो और रेसिड दोनों वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यूज क्या है, जो एक सिंगल कोट के अंदर यूज किया जाए या डबल कोट में यूज किया जाए, उस वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग वैल्यूज में हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को कंटेन करते हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी यूज कर सकते हैं, या हम सिंपली जैसे हमने 1 2 3 4 रख लिया या 1 2 3 4 5 ये रख लिया, ये दोनों भी ही स्ट्रिंग माने जाएंगे। यानी कि स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, और वो लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं। दैट कैन बी अ न्यूमेरिकल्स, दैट कैन बी अ अल्फा न्यूमेरिकल्स, एंड दैट कैन बी ऑल्सो अ सिम्बॉल्स। जैसे मैं यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और हम यहाँ पे रख लेते हैं कोई भी सिंबल, जैसे डॉलर एट द रेट, ये भी एक स्ट्रिंग हुआ। यानी कि स्ट्रिंग एक ऐसी वैल्यू है जो डबल कोट्स में आएगी, जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, वो लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या वो लेटर्स सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो आउटपुट आया 1 2 3 4, एस में रेसिट 1 2 3 4 5 एंड डॉलर एट द रेट, तो ये सब हमारा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यूज हुआ। तो यानी कि स्ट्रिंग एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को कंटेन करके रख सकते हैं। स्ट्रिंग कैन बी अ मल्टी लाइन, हम लोग मल्टी लाइन के फॉर्म में भी स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। दो तरीका है मल्टी लाइन, यानी ये जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यूज है हेलो या हेलो जो भी हम लिख रहे हैं, ये हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग हुआ।
लेकिन मल्टी लाइन बनाने के लिए हम डबल कोट्स को तीन बार यूज करेंगे और तीन बार इसको क्लोज करेंगे, और इस बीच में जब हम लिखेंगे तो ये मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स माना जाएगा। अगर हम डबल कोट्स के बाद सिंगल कोट देते हैं तो ये भी मल्टी लाइन माना जाएगा और ये सिंगल कोट भी हमारा डिस्प्ले होगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो किया, अभी हमने सिंपल स्ट्रिंग्स को यूज किया, हम यहाँ इसको मल्टी लाइन करते हैं। मैं इन दोनों को फिलहाल हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये मल्टी लाइन, हमने दो स्ट्रिंग्स तीन, ये हमारा तीन डबल कोट्स है जिसके बीच में हम जो वैल्यू लिखेंगे वो मल्टी लाइन होगा। हेलो, तो मल्टी लाइन है तो हम इसको राइट करने के लिए यहाँ भी इस तरीके से भी जा सकते हैं, मल्टीपल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, वैल्यू भी उसी तरीके से आएगा मल्टी वेरिएबल के अंदर जैसे हम उसमें लिखेंगे। हेलो हाउ आर यू, आर यू डूइंग वेल, तो हमने तीन लाइन में इसको लिखा है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू भी उसी तरीके से प्रिंट होगा जैसे लिखा गया है, यानी वैल्यू उसी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है जिस फॉर्मेट में उसको स्टोर किया जा रहा है वेरिएबल्स में। हेलो हाउ आर यू डूइंग वेल, तो ये हमारा जो वेरिएबल हुआ ये मल्टी लाइन वैल्यूज को कंटेन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने उस तरीके से इसको स्टोर किया है। अब जैसे मैं यहाँ पे डबल कोट्स एंड सिंगल कोट दोनों ले लिया, अब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे, हेलो हाउ आर यू, दिस इज मल्टी, ये हमारा मल्टी लाइन, तो ये जो हुआ हमारा मल्टी लाइन ही माना जाएगा लेकिन इसमें सिंगल कोट्स भी आउटपुट में आएगा। अच्छा, हमने इसे प्रिंट नहीं किया, हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एस वन। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये हेलो हाउ आर यू दिस इज अ मल्टी लाइन, यहाँ पे सिंगल कोट्स भी स्ट्रिंग वैल्यू में आ गया। तो स्ट्रिंग वैल्यू मल्टी लाइन हो सकता है, सिंगल लाइन हो सकता है, हम जैसा चाहें उस तरीके से स्ट्रिंग वैल्यूज को डिक्लेयर कर सकते हैं, उस फॉर्मेट में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर। तो स्ट्रिंग्स ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स जो होते हैं, हम कह सकते हैं स्ट्रिंग्स आर एन एरे, ये एक तरह का एक एरे है जो वैल्यू को कंटेन करता है इंडेक्स नंबर के हिसाब से। उसका एक पोजीशन होता है हर लेटर का, हर कैरेक्टर्स का, और वो पोजीशन एक इंडेक्स नंबर माना जाएगा और वो इंडेक्स नंबर शुरू होगा जीरो से। तो जैसे यहाँ पे str एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में हम लोगों ने वैल्यू रखी हेलो, ये हेलो एक एरे के फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होगा, जो हमारे कंप्यूटर की रैम होगी, रैम में ये जो वैल्यू है वो एरे के फॉर्म में स्टोर होगा। एरे मतलब हर एक लेटर का एक जो मेमोरी इंडेक्स बनेगा वो काउंटिंग होगा। जैसे पहला वाला जो हमारा h है, इस h का जो पोजीशन हो रहा है वो मेमोरी में पोजीशन जीरो, यानी हम कह सकते हैं इंडेक्स जीरो। उसी तरीके से e का पोजीशन वन, l का टू, l सेकेंड l का थ्री, o का फोर, ये हर एक वैल्यू पोजीशन के साथ स्टोर हो रहा है मेमोरी में, और हम उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं इंडेक्स नंबर का यूज करके, जैसे str, और हम यहाँ पे देते हैं अगर जीरो, इट मीन्स कि हम इंडेक्स जीरो की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी हम यहाँ पे मिलेगा वैल्यू h। उसी तरीके से अगर हम देते हैं str और देते हैं फोर,
तो इंडेक्स फोर पे जो वैल्यू है यानी कि ओ, तो हर एक वैल्यू जो होगा वो इंडेक्स नंबर के साथ एक्सेस किया जाएगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं, हम इन वैल्यूज को छोटा कर सकते हैं। ये हमारा वैल्यू है जैसे हेलो हाउ आर यू, हमने ये वैल्यू दिया। अब ये वैल्यू इंडेक्स नंबर के साथ स्टोर हुआ। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ इंडेक्स नंबर 4, देन हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, इंडेक्स 4 पे क्या वैल्यू है, 0 पे है एच, 1 पे है ई, 2 एंड 3 पे एल एंड 4 पे है ओ, तो हमें आउटपुट में मिलेगा ओ। तो यहाँ आउटपुट क्या आया हमारा, ओ आया। और अगर हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स 5, हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स 5, देन हमारे पास आउटपुट में प्रिंट क्या होगा, प्रिंट कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इंडेक्स 5 पे क्या है, इंडेक्स 5 पे स्पेस है, हेलो और हाउ के बीच का स्पेस है। तो स्पेस इज ऑल्सो अ वैल्यू, स्पेस भी एक वैल्यू है, तो वो भी काउंट होगा, बट वो प्रिंट तो हो नहीं सकता है बिकॉज वो एक स्पेस है। तो जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या है, एक एरे है जो इस इंडेक्स नंबर के साथ उसका हर एक लेटर हर एक कैरेक्टर स्टोर्ड है मेमोरी में, हम इंडेक्स नंबर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ स्प्लिटिंग फॉर्मेट्स हैं इंडेक्स को स्प्लिट करने का। तो जैसे हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जैसे सपोज ये हमारा str है जिसकी वैल्यू है हेलो, तो यहाँ पे str और यहाँ पे इंडेक्स नंबर ना दे करके हमने यहाँ पे दे दिया कोलन, तो इसका मतलब हो गया कोलन का मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कोलन और अब हम इसे प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा वैल्यू, हेलो हाउ आर यू, यानी कि हम बीच में अगर कोलन दे रहे हैं इट मीन्स कि हम पूरे स्ट्रिंग को यूज करना चाह रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0 और देता हूँ 5 और अब प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा हेलो और उसके बाद का ये स्पेस यानी 0, यानी हम कहाँ से स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं या कहाँ से हम उसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं, कहाँ से उसको काटना चाह रहे हैं, तो हम पोजीशन नंबर 0 से स्प्लिट कर रहे हैं और कौन से पोजीशन पे जाकर हम उसको खत्म कर रहे हैं, पोजीशन नंबर 5, इंडेक्स नंबर 5 पे। तो 0 पे हमारे पास एच है, 1 पे ई है, 2 एंड 3 पे एल है, 4 पे ओ है एंड 5 पे स्पेस है। तो 0 से लेकर के स्पेस तक 5 तक का सारा वैल्यू स्प्लिट हो गया, कट गया, जिसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया। अगर हम यहाँ पे 0 के बाद कुछ नहीं देते हैं तो इट मीन्स कि 0 पोजीशन से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक की सारी वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं 5 से लेकर के एंड तक जाना चाहते हैं तो हम कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ पे एंड हमने 5 दिया, कोलन दिया और छोड़ दिया, तो पांचवें इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक की सारी वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी। तो ये पांचवा इंडेक्स, यहाँ पे आउटपुट में स्पेस आया, देन हाउ आर यू, हेलो छूट गया, हेलो 0 से 4 तक पे था तो हमने उसको छोड़ दिया, हमने पांचवें इंडेक्स से लिया, तो इंडेक्स नंबर 5 से लास्ट वैल्यू तक सारा प्रिंट हो गया। और अगर हम यहाँ पे देते हैं 7 और पहले में कुछ नहीं देते, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम जिस पोजीशन का ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स होता है कोलन के पहले और कोलन के बाद एंड कहाँ पे होना है वो पोजीशन, तो अगर हम स्टार्ट पोजीशन मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो 0 से शुरू करेगा, और अगर हम एंड पोजीशन मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो लास्ट तक जाएगा।
तो यहाँ पे अभी हमने पहले वाले में क्या किया था, पहले वाले में हमने एंड पोजीशन मेंशन नहीं किया था, हमने स्टार्ट पोजीशन दिया था, स्प्लिटिंग करने का स्टार्ट पोजीशन हमने दिया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट पोजीशन नहीं दे रहे हैं, बट हम कहाँ तक स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो हम इंडेक्स नंबर 7 तक स्प्लिट करना चाह रहे हैं, देन ये 0 से 7 तक चला जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 तक गया, 7 का मतलब है 7 से पहले तक, यानी एक इंडेक्स पहले जो लास्ट पोजीशन देंगे उससे एक पहले पे ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा स्प्लिटिंग होता है कि हम इंडेक्स के हिसाब से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग जो है वो पॉजिटिव भी होता है एंड निगेटिव भी होता है। तो जैसे निगेटिव जो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका निगेटिव चल रहा है -1 से शुरू हो रहा है, लास्ट पोजीशन पे शुरू होगा और वो -1 से शुरू होगा। तो -1 यहाँ पे आ रहा है और ये, और यहां से -1, -2, -3, -4, -5, यानी लास्ट से शुरू होगा काउंटिंग -1 से और अकाउंटिंग एंड हो जाएगा जो पहला स्ट्रिंग है वहां तक जा करके। तो हम नेगेटिव काउंटिंग भी, नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी पॉजिटिव इंडेक्सिंग को यूज किया, अब मैं जैसे यहाँ पे मैं देता हूं, यहाँ पे सपोज -5, -1, यानी -1 से तो शुरू होगा और खत्म हो जाएगा -5 पे आकर के, -5 से एक इंडेक्स पहले, ठीक है। तो ये O Y स्पेस E, तो -1 ये ये -5 से शुरू हुआ, ठीक है, एंड खत्म हुआ -1 पे से पहले। अगर हमको लास्ट तक जाना है तो -5 से जाकर के हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये पूरा ई से वाई ओ यू तक गया, तो -1, -2, -3, -4 स्पेस, और ये ई जो है -5 का पोजीशन है, तो -5 से शुरू हुआ। अगर हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दे और यहाँ पे हम दे दे -1, तो यू सिर्फ नहीं आएगा लेकिन हेलो से लेकर के वाई ओ तक आ जाएगा, वाई ओ तक आया। यू क्यों नहीं आया, क्योंकि -1 हमने दिया है रेंज, लास्ट रेंज, तो लास्ट रेंज -1 है, तो -1 से एक पोजीशन पहले ये रुक जाएगा। तो निगेटिव इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं, और निगेटिव इंडेक्सिंग हमारा लास्ट से शुरू होता है और फर्स्ट पे जाकर के खत्म हो जाता है। तो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंडेक्सिंग्स। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे भी हमारी इंडेक्सिंग -1 से -5 तक जा रही है, -1 से और -3 तक हमने यहाँ पे दिया इंडेक्स, तो -1 से शुरू होकर के -3 तक जाएगा। उसी तरह से ये अलग अलग इंडेक्सिंग से, -4 से शुरू किया गया और इसको लास्ट इंडेक्स नहीं दिया गया, तो -4 यहाँ से शुरू होगा और ये पूरा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे डबल कोलन दे दें एंड देन लास्ट में -1 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डबल कोलन, तो ये क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेलो है वर्ड, तो ये प्रिंट क्या हो रहा है, ओले, यानी रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, जिस भी स्ट्रिंग को हम रिवर्स करना चाहेंगे हम उस स्ट्रिंग में डबल कोलन देंगे और लास्ट इंडेक्स लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर ऑफ दैट स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा।
किसी भी स्ट्रिंग में रीअसाइन किया जा सकता है किसी भी वैल्यू को, और जब हम रीअसाइन करते हैं देन हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है str hello, लेकिन अगर हम रीअसाइन कर रहे हैं इस जीरो पे स्ट्रिंग h को, तो ये एक एरर है। हम किसी एक इंडेक्स पे एक पूरे स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा एरर आ जाएगा। लेकिन हम किसी भी वैल्यू में पूरा का पूरा स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है और हम इस स्ट्रिंग में असाइन करते हैं इंडेक्स के पोजीशन पे, हम असाइन करना चाहें तो दैट विल बी एरर। अगर हम यहाँ पे देते हैं सपोज इंडेक्स, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जीरो पे जैसे हम दे देते हैं एक स्ट्रिंग हाउ, अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं कि हम इंडेक्स जीरो पे एक पूरा स्ट्रिंग डाल रहे हैं, और इंडेक्स जीरो तो एक लेटर के लिए डिफाइंड है, यानी एक कैरेक्टर के लिए डिफाइन है, और एक कैरेक्टर पे हम पूरा स्ट्रिंग नहीं रख सकते हैं, एक इंडेक्स पे हम पूरा स्ट्रिंग नहीं रख सकते हैं, तो ये एक एरर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को एरर के फॉर्म में ये दिखा रहा है कि लाइन टू में मॉड्यूल में एस जीरो इक्वल टू हाउ वी आर ट्राइंग टू स्टोर अ स्ट्रिंग इन अ वन इंडेक्स पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये एरर आ गया, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये इस तरीके का असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, बट इस तरीके का अगर हम करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि हम एक पूरे स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, पूरे स्ट्रिंग की वैल्यू को बदल रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को नहीं बदल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन हम किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को स्ट्रिंग से बदलना चाहें वो पॉसिबल नहीं है।